केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और हितग्राहियों को इसका लाभ दिलाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण जांजगीर चांपा तक पहुंचा। यहां अकलतरा नगर पालिका के शासकीय प्राथमिक शाला एवं पूर्व उच्चतर स्कूल के में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही मौके पर कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। हमारे नगर पालिका परिषद द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत में कैंप का आयोजन किया गया था। उक्त कैंप में सभी महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष्मान कार्ड का निर्माण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके साथ साथ महतारी वंदन योजना के तहत भी कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 700 से 800 हितग्राहियों ने आकर इस योजना और इस कैंप का फायदा उठाया। कार्यक्रम में स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लोगों का पंजीयन कराया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में लोगों की चिकित्सकीय जांच कर दवाइयों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने शिविर से मिले लाभ की जानकारी दी। और जब से मोदी जी का योजना आया प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हम लोग का नाम सर्वे में आया और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मोदी जी द्वारा जो योजना था उसका मुझे लाभ मिला है और मैं अभी पक्के के मकान में रह रहा हूं और इसके लिए मैं पुनः एक बार मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर लगभग 800 लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल तक पहुंचकर लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अकलतरा के कुंवर भुवन भास्कर सिंह स्कूल में लगा है, उसमें हमारे स्वास्थ्य अमला पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है, जिसमें हम लोग शुगर, बीपी, सिकल सेल और आयुष्मान कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं। बरमकेला नगर पंचायत में भी इस यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल रहा और नगरवासियों ने एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया।